ई बसें चलने का इंतजार आखिरकार हुआ खत्म। गृह मंत्री अमित शाह कर रहे ऑनलाइन उद्घाटन। जम्मू में एलजी की मौजूदगी में हो रहा कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस पर और चाक चौबंद हुई सुरक्षा। सरहदी इलाकों में रखी जा रही कड़े निगरानी। एलओसी से लेकर आईबी तक अभेद्य सुरक्षा चक। जम्मू आसपास के इलाकों में बढ़ी सुरक्षा। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संभाला मोर्चा। शहर में दाखिल होने वाले मार्गों पर भी नाके। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। जम्मू में पिछले 2 महीने से ई बसें चलने का इंतजार आज समाप्त हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा खरीदी गई 100 ई बसों का आज ऑनलाइन उद्घाटन कर रहे हैं। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में ई बसों की मौजूदगी में इन बसों को हरी झंडी दिखाई जा रही है। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक सेवाओं के नवनियुक्त अफसरों और SRO 43 के लाभार्थियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। आपको बता दें, नवंबर माह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इन बसों का उद्घाटन करना था, लेकिन राजौरी में आतंकवादी हमले के मद्देनजर उद्घाटन टल गया था। इस पर अपडेट लेंगे। पहले आपको बताएंगे कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जम्मू वासियों के लिए, जम्मू के लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 100 ई बसेस का आज उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ऑनलाइन किया जा रहा है, यानी वर्चुअल मोड में किया जा रहा है, और यहाँ से कन्वेंशन सेंटर में LG मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे इस दौरान। और इस पर आज जो है वो 100 बसों का यहाँ पर उद्घाटन होगा, यानी आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत यहाँ पर दी जा रही है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ, हमारी संवाददाता इस वक्त जम्मू से अधिक जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। शिल्पा, जरा बताइए, आज 100 ई बसेस का उद्घाटन जो है वो वर्चुअली गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और कन्वेंशन सेंटर में यहाँ पर LG मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं, तो क्या माहौल है और कितनी बड़ी सौगात है जम्मू वासियों के लिए? देखिए, सबसे पहले सुरक्षा को लेकर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था इस समय काफी ज्यादा पुख्ती नजर आ रही है और LG मनोज सिन्हा के द्वारा जो है वो यानी कि यहाँ पर LG मनोज सिन्हा और साथ ही साथ वर्चुअली मोड पर गृह मंत्री अमित शाह है और साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू जी मौजूद है और साथ ही साथ कई सारे अफसरान जो है वो इस समय यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हरी झंडी जो है वो दिखाई गई है और 100 ई बसेस को हरी झंडी दिखाई गई है, जहां पर जम्मू की सड़कों पर अब ये ई बसेस दौड़ती हुई नजर आएंगी, जहां पर ये 9 मीटर लंबी ये ई बसेज है। काफी लंबे समय से ये ई बसेज जो है वो भगवती नगर स्टेशन में रुकी हुई थी और इंतजार कर रही थी कि कब ई बसेज को जो है वो झंडा दिखाया जाएगा, क्योंकि पिछले समय की बात करें तो जहां पर गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर आने वाले थे जम्मू में, लेकिन मौसम के चलते दौरा रद्द कर दिया गया और आज ई बसेज को झंडी दिखा दी गई है और अब यानी कि कल से जो है वो ई बसेज शुरू हो जाएंगी जम्मू में चलना। और जिस तरीके से किराए की बात करें तो उसका किराया काफी ज्यादा कम रहने वाला है। और दूसरी और बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअली मोड पर मौजूद है और LG मनोज सिन्हा के द्वारा जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर भी दी गई है, JKS ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट लेटर भी दी गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बीते समय में जिस प्रकार से यानी कि अब जो है वो ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है और मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत करने के दौरान ही आपको जो है वो एग्जाम जो है वो आप क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि पहले बीते समय में जिस प्रकार से देखने को मिलता था कि सिफारिशें चलती थी तो सिफारिशें के आधार पर जो है वो नौकरियां मिलती थी, लेकिन अब साफ तौर पर LG मनोज सिन्हा का ये कहना है कि अब ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है और अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको संघर्ष करना होगा, मेहनत करनी होगी। बिल्कुल शिल्पा, ई बसेस को लेकर एक और सवाल मेरा रहेगा आपसे। इनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, 12 मीटर, 9 मीटर की। मैं जरा ये साफ कीजिए कि ये जो छोटी बस होगी, यानी जो छोटी बस है, वो कहाँ कहाँ संचालित होने वाली है, कहाँ कहाँ चलेगी, और जो बड़ी लंबी बस है वो किन किन एरियाज में जाने वाली है? देखिए, जो 100 ई बसेस का उद्घाटन किया गया हरी झंडी दिखाकर वो 9 मीटर की है और जम्मू के ये अंदर ही यानी कि जो जम्मू के रूट है, बाहरी रूट में ये जो बसेस जो है वो नहीं चलेंगी और जो बाहरी रूट की बसेस है वो अभी कुछ समय के बाद जम्मू में पहुंचेंगी, उसके बाद उनका ट्रायल होगा और ट्रायल होने के बाद जो है उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद ई बसेस जो है वो जम्मू में दौड़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन फिलहाल जो ये ई बसेस है वो 9 मीटर की है और ये जम्मू के अंदर ही दौड़ती हुई नजर आएंगी। तो क्या डिस्टेंस के हिसाब से किराया वसूला जाएगा और कितने डिस्टेंस में? ऐसे जो खबरें हैं वो 0 से 3 किलोमीटर में सिर्फ ₹10 किराया होगा।
जी बिल्कुल, देखिए किराया बहुत ही कम है क्योंकि मेटाडोर की बात करें तो जहां पर अगर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पे आप 5 किलोमीटर रख लीजिए जहां पर 10 रुपए आपसे लिया जाता था या फिर 20 रुपए आपसे लिया जाता था, उससे काफी ज्यादा कम किराया जो है वो ई बसेस का होगा। और इन ई बसेस में जो है वो कैमरे होंगे, एसी होगा, साथ ही साथ हीटर होगा, जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें भी आसानी से जो है वो उनके लिए भी फैसिलिटीज में रखी गई है। तो काफी ज्यादा जम्मू की आम जनता को जो है वो आनंद भी मिलने वाला है, बेनिफिट भी मिलने वाला है क्योंकि ये ई बसेस जो है वो काफी ज्यादा कहा जाए कि हर एक आम जनता के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। बिल्कुल, लाभदायक तो है ही है लेकिन आरामदायक भी होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और लोगों को इस खबर से अपडेट करने के लिए, क्योंकि ई बसेस की शुरुआत जो है वो आज इसका उद्घाटन हुआ है। कल से ई बसेस आपको सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। अलग अलग कैटेगरीज में इन 2 बसों को जो है वो बांटा गया है, यानी जो लंबी बसेस हैं वो आउटसाइड जो रूट्स होते हैं उनमें दौड़ेंगी और साथ ही साथ जो छोटी बसेस हैं वो जम्मू के शहर यानी बीचों बीच में दौड़ेंगी, दौड़ते हुए नजर आएंगी और लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाले हैं। चाहे वो कहीं ना कहीं जो यात्रा लगातार या रोज़मर्रा के जीवन में आवाजाही रहती है उसमें भी आसानी हो सकती है और किराए में भी राहत मिल सकती है। इसके साथ साथ इन बसेस से एक जो सबसे बड़ा जो फायदा है वो पर्यावरण को जो नुकसान बाकी अन्य बसेस से पहुंचता है उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर राहत मिल सकती है, हमारे पर्यावरण को प्रदूषण की समस्या जो है वो कम हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा एक बड़ी सौगात है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, गणतंत्र दिवस को अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रहते हैं। जम्मू कश्मीर की सरहदों पर सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है। एलओसी से लेकर आईबी तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सरहदों के साथ सटे इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और एलओसी व आईबी पर सेना व बीएसएफ लगातार गश्त कर रही है ताकि इस राष्ट्रीय पर्व पर पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पानी फेरा जा सके। इस पर भी जानकारी लेंगे लेकिन पहले आपको ये बताना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी अभी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई थी। लेकिन जनवरी का महीना है तो जाहिर सी बात है गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी कल मनाया जाएगा पूरे देश के अंदर। आज 25 जनवरी है लेकिन फिलहाल गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र सुरक्षा को पूरी तरह से चाक चौबंद रखा गया है। ये ज़रा तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझ पाएंगे कि किस तरह से एलओसी हो या आईबी हो वहां पर सुरक्षा बल जो है वो चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई जो घटना है वो यहां पर न घट सके। इसको लेकर ये लगातार जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो है वो कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये आपको बताना चाहेंगे, जो पुंछ रजौरी या सांबा का इलाका है लगातार इन दिनों पिछले कई दिनों से जो कुछ घटनाएं हैं आतंकी गतिविधियां हैं वो निकलकर सामने आ रही थी। कश्मीर के मुकाबले अब इन 3 जिलों में लगातार जो गतिविधियां सामने आ रही थी उसको लेकर पुलिस और प्रशासन या फिर केंद्र सरकार हो वो पूरी तरह से सचेत दिखाई दे रही है। किसी भी प्रकार की कोई यहां पर बड़ी घटना ना घटे, कोई आतंकवादी गतिविधि ना हो जिसमें आम लोगों को नुकसान पहुंचे, क्योंकि अक्सर कोई बड़े त्यौहार हो या फिर राष्ट्रीय पर्व हो उससे पहले पाकिस्तान इस बौखलाहट में रहता है और पाकिस्तान हमेशा नापाक हरकतें करने की कोशिश करता है। इससे पहले भी पुंछ रजौरी का देखा जाए तो वहां पर भी किस तरह से हमारे सैनिकों पर हमला हुआ था जिसमें हमारे सैनिक शहीद हुए थे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये जो हरकतें हैं वो बाज नहीं आते हैं। लेकिन बॉर्डर इलाकों की बात करें तो वहाँ पर सुरक्षा बल, पुलिस या सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं वो पूरी तरह से निगरानी रखी हुई हैं। यहाँ पर अगर इन्फिल्ट्रेशन होने की कोशिश होती है, घुसपैठ होने की कोशिश होती है तो उसको तुरंत वहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं उसको जो भी आतंकवादी गतिविधि या जो आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश करता है उसको मार गिराया जाता है। तो इसके चलते अब LOC और IB पर पूरी निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई आतंकवादी फिर से घुसपैठ करने की कोशिश ना करे, अगर करता है तो उसे उसी पल वहीं पर जो है वो मार गिराया जाए ताकि कोई भी बड़ी हानि शहर के बीचों बीच या सांबा, कठुआ या पुंछ की बात करें तो वहां पर ना हो। क्योंकि जिस तरह से एक निशाना आईबी या फिर जो बॉर्डर इलाके में जो लोग रहते हैं, बॉर्डर इलाके हैं उनमें लगातार निशाना बनाने की कोशिश आतंकवादियों द्वारा की जाती है, खासतौर पर सेना के जवानों पर भी हमले किए जाते हैं, उसको लेकर फिलहाल के लिए ये सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई है। और कल गणतंत्र दिवस पूरे देश में जो है वो मनाया जाएगा, उससे पहले शहर के अंदर हो, शहर के बाहर हो, सीमावर्ती क्षेत्र हो वहाँ पर भी कड़ी निगरानी है। और जहाँ आप LOC की तस्वीरें देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो गाड़ियाँ हैं, जो आवाजाही करने वाले लोग हैं उनको भी चेकिंग की जा रही है, उनके पहचान पत्र भी
देखे जा रहे हैं ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति वहां पर ना पाया जाए, और अगर पाया जाता है तो उस पर तुरंत रूप से कार्रवाई की जा सके, क्योंकि कोई बड़ी बाधा गणतंत्र दिवस के बीच ना हो, इस बाधा को खत्म करने के लिए ये एक बहुत बड़ा एक अभियान पुलिस की तरफ से, एक अभियान के साथ साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है सुरक्षा बलों के पास, सुरक्षा एजेंसियों के पास और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास, क्योंकि अक्सर यहां पर जो घटनाएं हैं वो सामने आती है, किस भेष में आतंकवाद निकल कर आता है, किस भेष में आतंकवादी आते हैं और सेना पर हमले करते हैं, इसको लेकर सेना के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे उससे निपटा जाए, कैसे उन जो आतंकवादी हैं उनको मार गिराया जाए। तो कहीं ना कहीं अब फिलहाल गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा पूरी तरह से सचेत नजर आ रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है, बॉर्डर इलाकों को सुरक्षा बलों ने सील कर दिया है, किसी भी प्रकार की वहां पर इन्फिल्ट्रेशन ना हो उस पर निगरानी रखी जा रही है, और यही वजह है कि हम अपने राष्ट्रीय पर्व जो हैं वो धूमधाम के साथ यहां पर मनाते हैं। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, रंजीव मेहता कठुआ से जुड़े हैं, इसके साथ साथ आकाश मलिक सुरनकोट से जुड़े हैं, और साथ ही साथ हमारे जो तीसरे संवाददाता हैं वो ऋषि खजूरिया हैं सांबा से। तीनों से बातचीत करेंगे अलग अलग कि किस तरह के इंतजाम सुरक्षा बलों द्वारा जो है वो इन तीन जगहों पर किए गए हैं। सबसे पहले रंजीव जी आपका रुख करना चाहूंगा, जरा जानने की कोशिश करेंगे, कल गणतंत्र दिवस का त्यौहार है, राष्ट्रीय पर्व है, ऐसे में जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने, सुरक्षा बलों के सामने या फिर सुरक्षा एजेंसियों के सामने, तो किस तरह की स्थिति है, कैसे इसको निपटा जा सकता है या निपटने की कोशिश यहां पर रखी गई है? जी बिल्कुल शीतल, मैं बताऊं कि जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कठुआ जिले की लगती है, करीब 22 किलोमीटर का इलाका है और 18 से 19 गांव जो इस पर पड़ते हैं जीरो लाइन पर, उनके वहां पर बीएसएफ जो है वो पहली जीरो लाइन पर तैनात है, क्योंकि गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम जो है वो कड़े कर दिए गए हैं, नाका पॉइंट्स को बढ़ा दिया गया है, जितने भी रूट थे इन्फिल्ट्रेशन के, क्योंकि इस इलाके से पहले इन्फिल्ट्रेशन होती रही जब आतंकवाद इस इलाके में पनपा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे शांति है, लेकिन शांति को देखते हुए भी जो है प्रशासन की तरफ से कोई भी जो कदम जो है वो ढिलाई नहीं बरती जा रही है, और जितने भी है सुरक्षा के जितने भी इंतजाम है पुख्ता किए गए हैं, उसके पीछे आर्मी की झुंड है जो दिन रात वहां पे पहरा दे रही है, क्योंकि सेकंड लाइन पे आर्मी है और उसके पीछे जो है बॉर्डर पुलिस पोस्ट के और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है जो लगातार वहां पर सुरक्षा में पहरा दे रहे हैं और हर आने जाने वाले पर बिल्कुल रंजीव, इसमें एक चुनौती ये भी है कि जहां पर भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, ज्यादा लोग आवाजाही करते हैं, उन जगहों पर किस तरह से निगरानी की जा रही है, क्या वहां पर पहचान पत्र लोगों के देखे जा रहे हैं, गाड़ियों को चेकिंग की जा रही है, और साथ साथ बॉर्डर इलाकों में जो बॉर्डर इलाकों के लोग हैं, क्योंकि एक बड़ा पर्व है, बड़ा त्यौहार है, तो इसको लेकर कोई खास तौर पर या स्पेशल तरीके से किस तरह की सुरक्षा जो है वो रखी गई है? बिल्कुल शीतल, मैं बताऊं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके, जैसे कठुआ शहर की बात करूं, वहां के जो मुख्य चौक चौराहे हैं वहां पर सीसीटीवी टीवी जो है वो कई जगह पे लगे हुए हैं, उनके जरिए निगरानी जो है वो रखी जा रही है, लेकिन उसके साथ ही वहां पर जो नेशनल हाईवे का इलाका है जहाँ लखनपुर का जो, क्योंकि पंजाब की एंट्री भी इसी पॉइंट से होती है कठुआ जिले से ही, और जहाँ पर आने जाने वाले जितने भी वाहन है उनकी गहनता से तलाशी ली जा रही है, वहीं पंजाब से लगती सीमा जो बॉर्डर के इलाके के साथ है, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर की सीमा के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीमा जो है वो लगती है, वापस लौटूंगा क्योंकि मेरे साथ दो और सहयोगी जुड़े हुए हैं, ऋषि खजूरिया इस वक्त सांबा से जुड़ गए हैं। ऋषि, जरा सांबा की अपडेट दीजिए, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आज रखी गई है, कल गणतंत्र दिवस भी मनाया जाना है। देखिए बिल्कुल, गणतंत्र दिवस को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया हुआ है, चाहे हम हाईवे की सिक्योरिटी को लेकर बात करें या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के हवाले से बात करें, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी की व्यवस्था चाक चौबंद की हुई है, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो वो एक बड़े पैमाने पर की गई है, और इसी के चलते हमने सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर एसएसपी सांबा बिनाम तो जी से भी बात की, उन्होंने भी विस्तार से जानकारी दी है कि किसी तरह से भी जो है वो चूक नहीं जो वो होगी सिक्योरिटी में, और गणतंत्र दिवस जो वो पूरे देश भर में बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया जाएगा। मुख्य
समारोह स्थल की बात करें तो वहां पर उसके आसपास तमाम सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है बड़े स्तर पर की गई है। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जितने भी एडजॉइनिंग रूट्स है बॉर्डर की तरफ जाने वाले या तमाम हाईवे नाकाज को लेकर बात कर लें तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा नफरें जो इस समय डिप्लॉय की हुई है। तमाम आने जाने वाली गाड़ियों के ऊपर नजर रखी जा रही है, संदिग्धों के ऊपर नजर रखी जा रही है, और जो लगता है कि बाहरी राज्य से लोग आ रहे हैं या कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे हैं उनके आईडी कार्ड जी भी लगातार चेक। ठीक है ऋषि जी, ठीक है वापस लौटता हूँ, अगर टाइम बचता है तो एक बार आकाश के पास भी चलते हैं क्योंकि सुरनकोट की भी हम ग्राउंड स्थिति, वहां पर जो जमीन स्तर पर क्या स्थिति है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आकाश थोड़ा जल्दी से बताइएगा, समय कम है, किस तरह की स्थिति है, कैसे पुलिस वहां पर जो है वो निगरानी रख रही है, खासतौर पर जो घने इलाके हैं। हाँ जी शीतल, मैं आपको बताता चलूं, पूरे सुरनकोट के जम्मू पुंछ हाईवे से लेकर मुगल शाहरा तक जितने भी इलाके हैं उनमें जो है सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई है। और इस वक्त बड़े पैमाने पे एलओसी की बात करूं, पुंछ एलओसी के कई सारे डिफेंस इलाका पे इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं। उसके साथ साथ सुरनकोट की बात करूं, सुरनकोट में डिफेंस जगह पे नाका पे जो है पुलिस की तरफ से चेकिंग की जा रही है। आने जाने वाला कोई भी व्यक्ति है उसका शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद ही जो है उसको सुरनकोट में आने की इजाजत है। वहीं पे बात करूं, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, जम्मू पुंछ हाईवे पे भी कई सारे नाके हैं जिन पे इस वक्त भी जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उसके साथ साथ जहां पे कल ये प्रोग्राम, जहां पे ये झंडा सलामी देंगे, वहां पे बॉयज हाई सेकेंडरी सुरनकोट की बात करें, वहां पे भी इस वक्त सुरक्षकों की तरफ से जो है बड़े पैमाने पे जो है चेकिंग की जा रही है और उस जगह को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश, और रंजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए, और सांबा से ऋषि खजूरिया हमारे से जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि समय कम है। और तीनों जो हमारे सहयोगी थे उन्होंने बताया कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, किसी भी तरह की कोई बड़ी घटना ना घटे, कोई आतंकवादी गतिविधि ना हो, उसको लेकर किसी भी तरह की हानि आम लोगों तक ना पहुंचे, उनको कोई हानि ना हो, इसको लेकर लगातार वहां पर सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। और यह अभियान जो है वो कल भी देखा जाएगा क्योंकि कल पूरे देश के अंदर गणतंत्र दिवस का माहौल जो है वो देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे जम्मू की, गणतंत्र दिवस पर जम्मू शहर व इसके आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू में जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। हर जगह जगह लगे नाकों पर हर आने जाने वाली गाड़ी की सख्ती से जांच पड़ताल की जा रही है। मौलाना आजाद स्टेडियम को जहां पहले से ही सील कर दिया गया है, वहीं स्टेडियम के आसपास के इलाकों के अलावा जम्मू में दाखिल होने वाले हर मार्ग पर नाके लगाकर जांच की जा रही है। तो तस्वीरें अब आपको जम्मू शहर की दिखाएंगे क्योंकि जम्मू शहर के अंदर भी सुरक्षा जो है वो उसकी निगरानी रखी जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह के जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं, यानी जो एंट्री पॉइंट्स हैं, प्रवेश द्वार हैं, वहां पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, कोई भी गतिविधि ना हो इसको लेकर चेक किया जा रहा है। पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, सुरक्षा एजेंसियां सचेत हैं, और बॉर्डर इलाके की पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से बॉर्डर इलाकों को भी सील किया है ताकि बॉर्डर इलाकों से कोई इन्फिल्ट्रेशन जैसी घटना या घुसपैठ ना हो, जिसके चलते शहर के अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि ये त्यौहार अपने आप में एक बहुत बड़ा त्यौहार है, गणतंत्र दिवस जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, और मात्र कुछ ही घंटे इस त्यौहार के बचे हुए हैं, कुछ ही घंटों के बाद हम इस त्यौहार को जो है वो मनाएंगे, और इसको लेकर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। मुख्य शहर हों, घने बाजार हों या एंट्री पॉइंट्स हों, हर जगह पर पुलिस के जवान या अर्धसैनिक बलों के जवान जो है वो तैनात हैं और पूरी निगरानी रखी जा रही है। लोगों के कार्ड जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं, संदिग्ध कोई व्यक्ति यहाँ पर ना पाया जाए उसको लेकर भी ये कोशिश पुलिस द्वारा जो है वो की जा रही है ताकि कोई यहाँ पर बड़ी घटना ना घटे, क्योंकि हम लगातार आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान अपनी बौखलाहट के चलते जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर पर जम्मू के कुछ शहरों को, जम्मू के कुछ इलाकों को अपनी चपेट में लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपना जो एक पाकिस्तान जो अपना दबदबा जम्मू कश्मीर के अंदर कायम रखने की कोशिश करता है, हालांकि पिछले कुछ सालों से इसको विफल करने में सैनिक या फिर जो हमारे सुरक्षा बल हैं, पुलिस सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो पूरी तरह से सफल हुई हैं। किसी भी प्रकार की जो घटना होती है उसको विफल करने के लिए पुलिस हमेशा आगे रहती है। फिलहाल हमारे साथ जम्मू से अनिल शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनिल, जरा बताइएगा कल के लिए किस तरह के जो सुरक्षा के इंतजाम है वो रखे गए हैं, मुख्य शहरों की बात करें और कौन कौन से वो मुख्य जगहें रहेंगी जहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रखी गई है। जी अनिल, आप आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए लगता है अनिल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर
किस तरह के इंतज़ाम जो हैं वो रखे गए हैं, खास तौर पर जम्मू शहर के अंदर और जम्मू के आसपास के इलाकों में। अनिल वापस जुड़ गए हैं। अनिल, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम हैं जम्मू के मुख्य शहरों में या फिर जो एंट्री पॉइंट्स हैं? चुनाव की बात कर रहे हैं तो इस वक्त मैं पुराना उदास स्टेडियम के बाहर हूँ और पुराना उदास स्टेडियम के बाहर जो है जम्मू कश्मीर की निगरानी रखी जा रही है और चारों तरफ पैरामिलिट्री की बात करते हैं या फिर शहर के जो रिहायशी इलाके हैं उनसे पूरी तरह से जो है निगरानी रखी जा रही है। और सीमाओं की बात करें तो सीमाओं में जो है पूरी तरह से हमारी चौकसी जो है और भी निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। ड्रोन के जरिए जो है पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर जो है जो कमांडो बिंदर जिसे कहा जाता है उसे भी यहाँ पर लगाया गया है और किसी के भी आने जाने के जो व्यक्ति यहाँ से गुजरता है तो उसकी चेकिंग के बाद आप देख रहे हैं। जो हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स रहे, सिक्योरिटी के जो तमाम इस समय ड्यूटीज पर तैनात थे वो इस समय पूरी तरह से अलर्ट हैं और किसी को भी आने जाने की इजाजत जो है मौलाना आजाद स्टेडियम में जो है बिना आईडी कार्ड से कोई इजाजत नहीं दी जा रही है। और कल का बेहद अहम दिन जो है वो माना जा रहा है क्योंकि गणतंत्र दिवस को लेकर हमेशा से आपको याद होगा कि पाकिस्तान की हमेशा से मंशा रही है कि सीमा से जो है घुसपैठ की जाए। आगे देख सकते हैं कि स्पेशल विंग के जो कमांडो थे और हम ये जो फोर्स देख सकते हैं यहाँ पर नाकाम करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से निगरानी के साथ बैठे हुए हैं और इस वक्त भी मौलाना आजाद स्टेडियम की तस्वीरें जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। अनिल शर्मा हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए थे एमए स्टेडियम के बाहर से, जहाँ की तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह एमए स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें हैं, वहां पर किस तरह से सुरक्षा को रखा गया है क्योंकि कल मौलाना आजाद स्टेडियम में ही गणतंत्र दिवस का त्यौहार मनाया जाएगा, उसको लेकर सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। और ये ग्राउंड रिपोर्ट अनिल शर्मा वहां से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं जम्मू कश्मीर में भीषण जाड़े का प्रकोप खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है अभी तक। हालांकि बारिश और बर्फबारी भी नहीं हुई है लेकिन इसके बावजूद मौसम के इस तेवर ने लोगों की नाक में दम करके रख दिया है। जम्मू में आज हालांकि धुंध व कोहरा तो नहीं दिखा लेकिन इसके बावजूद सर्द हवाएं हर किसी की कंपकंपी छुड़ा रही है। बुधवार को निकली ठंडी धूप भी लोगों को राहत नहीं दे पाई और आज भी ऐसा ही देखा जा रहा है। अपनी होश जी है, पहली बार देखे ने 26 जनवरी बरखा पौंदी ही, मतलब एक दो बरखा स्याले होंगी ही बरत गए, कनिया पौंदी रौंदियां माड़ी मोड़ियां, ते जिंदगी पहली बारी गै देखी। हाँ, बरखा थोड़ी होग तो फिर कोरा शोरा जगह घटी जाना भी है। हाँ, भुग्गे बरतै बाद आखिर स्याल भुग्गा पी जाता, इं ठंड मार्च तक रौंदी है। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰੇ ਆਪ ਕੋਪੀ ਸ਼ੋਪੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੀ, ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗੇ ਵੀ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਠੰਡ ਦਾ। ਦੂਆ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਆਹੋ ਜੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਵੀ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਆਦਮੀ। ਹਾਂ, ਠੰਡ ਬੜੀ। मौसम तो इस तरह इस साल तो बहुत अबरालूज है, ठंड तो इस साल है हमें क्या पता है, ठंड तो इतना भी नहीं, इतना क्या हम क्या कहेंगे जितना यहाँ रहता है। पहले से ज्यादा है कि पहले से ज्यादा है? मुझे लग रहा है अभी हमारे कश्मीर से विंटर भाग के आया बैठ गया है जम्मू में। श्रीनगर में ऐसा गर्मी है आजकल, अभी वहाँ से मुझे फोन आया है, वहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल से 70 के करीब होगा टेम्परेचर, यहाँ पे तो जीरो है। मुझे इस साल तो बहुत सर्दी लग गई यहाँ पे। उन्होंने बुलाया वहाँ पे अब 26 से बर्फबारी हो सकती है, हो सकती है। अभी पूरा अब अल्लाह के ऊपर है, इंशाल्लाह वही सब कुछ करता है। वही मौसम से ऐसे तब्दीली हो गई, बीमार भी सारे बच्चे बड़े पड़ रहे हैं आजकल धूप से, यानी कि खुशकसाली से, कश्मीरी में बोलते हैं उसको खुशकसाली, खुशकसाली से वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो गई है। चलिए जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।